दोनों श्रीमती घर में छतरी लगाए हुए हैं। आज ज्ञान का बर्थडे है और हम और ज्ञान की बुआ चल रहे हैं मार्केट। ज्ञान के लिए ड्रेस लेना था तो बहुत तेज़ धूप थी, तो सुबह से ही तेज़ धूप निकला है तो इसलिए हम लोग छतरी लगाकर बस निकल पड़े हैं। 9 बज रहा होगा 9 बजे तो चलते हैं मार्केट। तो मार्केट से आने के बाद हमारे घर में शिव गुरु की पूजा हो रही थी, चर्चा करवा रहे थे मम्मी, और हम लोग छोटी सी पूजा रखे थे घर पे ही, बस खुद से ही कर रहे थे क्योंकि बच्चे के जन्मदिन के समय सत्संग कुछ होना ज़रूरी होता है। हम लोग मार्केट से आ गए थे और यहाँ पे शिव गुरु की चर्चा मम्मी बोली थी करवा देते हैं, क्योंकि हर साल हम ज्ञान के जन्मदिन पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते थे, लेकिन इस बार ज्ञान के पापा को छुट्टी नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग आ गई इसलिए वो रह नहीं पाए घर पे दिन में, तो वो चले गए थे तो इस कारण कथा नहीं करवा पाए। तो मम्मी बोली कि बस घर पर ही करवा लेते हैं छोटी सी कोई पूजा, कोई बाहर से कोई किसी को नहीं बुलाए, बस घर के ही मेंबर लोग जो थे सब मिलकर करवा लिए थे। और ज्ञान की ये बुआ है और ये ज्ञान की आंटी, सब लोगों को हम एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान की नानी भी आ गई थी, पहले तो बोल रही थी कि नहीं आएंगे लेकिन इस बार ज्ञान को सरप्राइज़ देने के लिए आ गई ज्ञान की नानी बिना बताए। जिस समय हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे थे उस टाइम ही ज्ञान की नानी आ गई थी, और इसलिए अगर कथा नहीं करवा पाए तो हम लोग बस शिव गुरु की चर्चा घर पे ही सब लोग मिलकर कर लिए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान की नानी गिफ्ट लाई है ज्ञान के लिए, और ज्ञान अभी भी ओपन करके बैठा हुआ है, बहुत खुश है। और यहाँ पे सब लोग काम कर रहे थे, मम्मी और ज्ञान की दादी और नानी सब मिलकर गुलाब जामुन का गोला बना रहे थे, और ज्ञान की बुआ प्याज कट कर रहे थे, और यहाँ पे हम और हमारी देवरानी मिलकर रसोई में यहाँ पे सारा सामान सब बना रहे थे। पनीर फ्राई हो चुका था और वैसे मार्केट से भी मिठाई मंगा लिए थे, लेकिन ज्ञान का फेवरेट, जैसा आप लोग जानते होंगे ज्ञान का फेवरेट मिठाई है गुलाब जामुन, जो कि बनना बहुत जरूरी था। सुबह में हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, तो ज़रूरी था बनाना ज्ञान के लिए, तो इस टाइम शाम को ही बना लिए थे सब मिलकर। इतने सारे लोग हो गए कि जल्दी से सब कुछ बिल्कुल 1 घंटा में मतलब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पर ज्ञान में कविता और मैं फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज है 2 सितंबर और आज आप सबके ज्ञान का बर्थडे है, ज्ञान का बर्थडे है, सार पार्टी की तैयारी हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं, नाम करो, बोल दो मेरा हैप्पी बर्थडे है आज। तो ज्ञान रेडी हो गया है, तो देख सकते हैं हम लोग भी रेडी हो गए हैं, इधर ये सब रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो गया। और यहाँ पे पिक्कू भी रेडी हो गए हैं, बेलून ज्ञान इधर देखो दिखाओ बाबू, गलती छे हुआ गलती छे।
ज्ञान ने केक कट कर लिया है और ज्ञान को देख सकते हैं। ज्ञान बहुत खुश है क्योंकि ज्ञान की आज नानी दादी जितनी भी उनके फेवरेट है सब लोग आ गए थे, इस कारण बहुत खुश था। और ज्ञान का आज फेवरेट गिफ्ट भी मिला है। मैं भी सोच रही थी ज्ञान के लिए कोई टॉय चलने वाला लूँ, लेकिन सोच रहे थे कि बैठ पाएगा या नहीं, लेकिन आज ज्ञान की मामा लेके आए हैं ज्ञान के, तो आज बैठा है तो बहुत अच्छी तरीके से चला लिया था। मैंने पहले वीडियो में लगाया है तो देख सकते हैं ज्ञान। मुझे डर लग रहा था क्योंकि ज्ञान थोड़ा बहुत हिलता था, मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, लेकिन संभाल लिया, संभाल पाता है, बस अभी सीख रहा है, अच्छे से भी चला लेगा। तो बस सब केक कटने के बाद हम लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे क्योंकि ये सब फ़ोटो जो होती है एक मेमोरी में अच्छा यादगार बन जाता है जो हम लोग रखते हैं, तो थोड़ा बहुत क्लिक भी करवा लेते हैं। तो ज्ञान देख सकते हैं ज्ञान को पकड़ के, मतलब ज्ञान को खड़ा भी करवा दिए हैं, तो इस तरीके से फ़ोटो क्लिक। यही दुआ है मेरे बाबू के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो इस तरह के हैं, सबके लिए मेरी यही दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे, उनके जीवन में इस बीमारी के कारण कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और बहुत खुश रहे हमेशा उनके जीवन में। ये जन्मदिन हर साल मनाएं हम लोग। हम दाले पिकर चाहिए।
मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या और यहाँ पे हम लोग आ गए अब किचन में, क्योंकि सारी तैयारी तो कर लिए थे, तो हम लोग बना लिए थे मटर पनीर और पुलाव तड़का। तो ये तड़का थोड़ा सा जम गया था, तो हम गर्म पानी करके हल्का सा डाल दिए हैं और सब कुछ कर कर बस आटा गूँथ कर गए थे, क्योंकि पूरी जो ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। बस हम तीनों आ गए नीचे और उसके बाद गर्म गर्म पूरी तल लिए और देख सकते हैं सारा खाना ऊपर लेकर चले आए थे। और जितने भी जेंट्स लोग थे, पापा और बड़े लोग थे, सब लोग खा कर नीचे चले गए हैं। तो बस अब बचे हैं कुछ छोटे बच्चे लोग और हम लेडीज़ लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा खाना तैयार हो चुका है, तो सबको खिला रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पापा लोग खा कर नीचे गए हैं, तो यहाँ पे बच्चे लोग खा रहे हैं। और इन लोग को खाने के बाद फिर हम लोग तीन चार लोग बचे हुए हैं, तो वो लोग भी खा लेंगे। तो पहले इन लोगों को तो सब लोगों को खिलाने के बाद यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। और हम लोगों की पार्टी तो अभी लंबी चलेगी, क्योंकि सब लेडीज़ लोग बैठे हुए हैं, तो बात के साथ खाने के साथ बात भी उतना ही होता है। तो चलते हैं अब खाना खा के, उसके बाद फिर ज्ञान को भी सुलाना है, 12 बज चुका है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।